सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जीके क्वेश्चन को, जो कि 16 सितंबर 2017 को हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जीके क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को, इंग्लिश क्वेश्चंस को, तीनों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम जीके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड द भारत रत्न, जिसका मतलब है हाल ही में भारत रत्न किसे अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस का पता नहीं है, लेकिन लेकिन भारत रत्न अवार्ड जो है वो लास्ट टाइम 2015 में दिया गया था, और 2015 में दो व्यक्तियों को दिया गया था। जो पहले व्यक्ति थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी, और जो दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। विच नाइबरिंग कंट्रीज सेकेंड नेम इज बर्मा, वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसका दूसरा नाम बर्मा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है क्रिकेट से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया है 2019 वर्ल्ड कप जो है वो किस कंट्री में होने वाला है, यानी कि अगला वर्ल्ड कप किस कंट्री में होने वाला है। तो विकिपीडिया के अनुसार 2019 का जो मैच है वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा। इसके अलावा 2015 का जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हुआ था, और 2023 का जो है वो इंडिया में होने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लाइंडनेस कॉज बाय, तो ब्लाइंडनेस का जो कॉज है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर नॉट ईटेबल, ऑप्शन ए कैरोट, ऑप्शन बी रेडिस, ऑप्शन सी व्हीट, और ऑप्शन डी का पता नहीं चला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना उचित नहीं है, बट इस क्वेश्चन को ध्यान रखें कि इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों टेम्परेचर जोन से रिगार्डिंग आया था, तो टेम्परेचर जोन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है, ओम इज दी ऐसा यूनिट ऑफ डैश, तो बेसिकली ओम जो है वो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का इन्वेंटर कौन है। तो इसका आंसर है इवान गैलिस्टर टोरिसिली। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसका मतलब है कौन सा विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है खून के थक्के को जमाने के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है विटामिन के। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऑप्शन दोस्तों पता नहीं चले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अगला सवाल है, इन विच हिस्ट्रिक एज वॉज द यूज ऑफ स्टोन स्टार्टेड, यानी कि कौन से ऐतिहासिक समय में पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो करना स्टार्ट हो गया था। इसके ऑप्शन का पता नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ बता दूं, जिस पीरियड में स्टोन का यूज जो है वो स्टार्ट हो गया उस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं, और जो स्टोन एज है वो 8700 बीसी से 2000 बीसी के बीच में चला था। तो बेसिकली 87000 बीसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, बट ऑप्शंस का पता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। अगला सवाल है, व्हाट हैपेंड व्हेन फ्लोराइड एंड सोडियम आर कंबाइंड, ये दोनों मिलकर सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मरकुरी इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में मरकुरी का कौन सा स्थान है। तो मरकुरी का सबसे पहला स्थान है और ये सूर्य से सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पता नहीं चला है, तो आप बुद्धिस्ट आर्ट के जमाने के सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि संविधान जो है अस्तित्व में कब आया, तो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, और जिसे रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते फिर हम। अगला सवाल था, अम्ल गम कंटेन्स मेन एलिमेंट, तो अम्ल गम में जो मुख्य तौर से जो एलिमेंट होता है वो क्या है। तो गाइज अम्ल गम में जो मुख्य तौर से एलिमेंट होता है वो मरकुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सीमेंस है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन नेशनल इनकम के बेस पे आया था, जिसमें पूछा गया तो व्हाट इज नेशनल इनकम, इसके ऑप्शंस का पता नहीं है, तो गाइज आप नेशनल इनकम के रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ इज द एनएनपी कैलकुलेटेड, एनएनपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच स्कीम इज रिलेटेड टू फिजिकल एड ऑफ बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो दोस्तों बीपीएल के अंदर जो फिजिकल एड जो की जो स्कीम है वो राष्ट्रीय वसोश्री योजना के तहत आता है। एक क्वेश्चन था, रिब्स आर कनेक्टेड टू विच पार्ट इन ह्यूमंस, तो हम लोग जानते हैं कि रिब्स जो है वो हमारे शरीर में टोटल 24 रिब्स होते हैं, यानी कि 12 के पेयर होते हैं, और जिससे वो कनेक्ट होता है उसको स्ट्रेनम कहते हैं। अगला सवाल है,
हु रॉट द बुक ए बैंड इन द रिवर, जिसका मतलब है ए बैंड इन द रिवर का जो पुस्तक है वो किसने लिखा। तो इसका आंसर है दोस्तों वी एस नायपॉल ने। अगला सवाल है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट कॉल्ड, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उस पेज को क्या कहते हैं। तो उस पेज को दोस्तों होम पेज कहते हैं। अगला सवाल है हाउ मेनी हाउसेस आर इन इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउसेस बने हुए। तो दोस्तों इसका आंसर है दो, क्योंकि इंडिया में दो पार्लियामेंट बने हुए हैं। अब दोस्तों इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, तो इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों स्पेलिंग से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि ईडियम और फ्रेजेस की बात की जाए तो उसमें क्वेश्चंस था मैन इन द स्ट्रीट और नाउ एंड अगेन क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के बेस्ड आए थे, कुछ क्वेश्चन जो थे कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी पे थे, जैसे कि ब्रेन, कंडेमेन, प्रिमेटिव और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात की जाए, तो उसमें दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन है जो बार ग्राफ का क्वेश्चन, उससे 5 क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि पार्टनरशिप की बात की जाए उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। और मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सिंप्लीफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन आए थे। इंटरेस्ट से 4-5 क्वेश्चन और बोट एंड स्ट्रीम से 4-5 क्वेश्चन। इस प्रकार से दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेसिकली दोस्तों 16 सितंबर का एग्जाम था, उसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश के फुल क्वेश्चंस को और मैथ के फुल क्वेश्चंस को देखने के लिए दोस्तों विद सॉल्यूशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। कोशिश करता हूं दोस्तों कि आज रात को ही वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दी जाए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थोड़ी देर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।